सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। पूरा खंडहर पड़ा हुआ था तो सोचा कि अब रात्रि में गांव वालों को कहां परेशान करें, चलो उसी में रुक जाते हैं। तो अपना कंबल बिछाए और उसी में विश्राम करने लगे। आधी रात को दुंदकारी जो कि प्रेत बन गया था गोकर्ण महाराज को डराने लगा। कभी सिंह का रूप लेकर, कभी घोड़े का रूप लेकर, कभी भैंसे का रूप लेकर, सक्रिन में सह सक्रिद हस्ती सक्रि च महिषो भवत सक्रिद इंदह सक्रिताग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कई रूप से डराना चाहा लेकिन फिर भी जब न डरे तब मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और सिर झुकाकर खड़ा था। गोकर्ण महाराज ने उसको पूछा, कौन हो तुम और मुझे इस तरह से डराकर क्या चाहते हो? तब अचानक आंख से अश्रु बह पड़े और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनामतः। भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी, अभी तक मैं यहां भटक रहा हूं। भैया मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण महाराज को आश्चर्य हुआ कि धुंधकारी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया था, अभी तक तो मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा कि भाई आप भी क्या बातें करते हैं, अरे गया श्राद्ध करने से जो छोटे मोटे पापी हैं ना वो तर जाते हैं, लेकिन जिसने बहुत जघन्य पाप किया है, बहुत घनिष्ठ पाप किया है जिसने, वो 100 गया से भी उसकी मुक्ति संभव नहीं। पापियों की भी कैटेगरी होती है ना, जिसने बहुत ऊंचा पाप कर लिया है, ये छोटे मोटे पापी तो गया श्राद्ध से तर जाते हैं, लेकिन जिसने बहुत जघन्य अपराध कर लिया है 100 गया से भी उसकी कोई मुक्ति नहीं। रात्रि भर गोकर्ण महाराज को नींद नहीं आई, ये सोच करके कि 100 गया श्राद्ध से भी यदि मुक्ति नहीं तो कैसे हो सकती है। दूसरे दिन सुबह तुंगभद्रा नदी में स्नान करने गए और भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे उसी समय भगवान आदित्य ने हृदय में प्रकाश किया, पुत्र गोकर्ण 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं है उसकी मुक्ति का एक ही उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। फिर भागवत का पाठ करो, भागवत का गान करो, एक यही उपाय है। तब गोकर्ण महाराज ने स्वयं भागवत व्यासपीठ बनाई, स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान हुए, गांव के लोगों को आमंत्रित किया और खुद व्यासपीठ पर बैठकर भागवत आरंभ की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, स्वयं वक्ता बने और गांव के लोगों को श्रोता बनाया, प्रधान श्रोता अपने धुंधकारी भाई को बनाया, लेकिन चूंकि मर चुका है शरीर तो है नहीं, हवा रूप में है वो, तो पांडाल में आकर बैठता है कथा श्रवण करने, लेकिन जोर से हवा चलती तो उसको उड़ा कर ले जाती। कई बार बेचारा सुनना चाहता था लेकिन उड़ा उड़ा कर हवा ले जाती है। तब एक 7 गांठ वाला एक बांस का टुकड़ा पड़ा था, उसके छिद्र में जाकर बैठ गया और 7 दिन तक उसने वहां बैठकर कथा सुनी। 7 दिन में श्रवण करते करते वो गांठें टूट गई और दिव्य रूप धारण करके
धुंधकारी प्रकट हुआ और जय जयकार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। दिव्य रूप धारण करके आया तब तो बड़ी तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की भागवत की। महाराज आप सबके बीच में मुझे कहना पड़ेगा कि भागवत जैसा कोई दिव्य ग्रंथ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई महान ग्रंथ नहीं हो सकता। मुझ जैसे प्रेत को भी जिसने आद मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत। और अभी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर ही रहा था, इतने में भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उसको बड़े आदर के साथ लेकर जाने लगे। तो गौकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षदों को पूछा कि भैया सुनो, यहां श्रोता तो बहुत थे हाँ, लेकिन विमान आप एक ही लेकर आए, ये क्या चक्कर है? तो कहा कि भाई कथा में तो बहुत सारे श्रोता थे हाँ, सबने सुना भी है, लेकिन सबने सुना जो ना, तो सुनने का भाव सबका अलग अलग था। हर कोई मोक्ष की भावना से थोड़ी सुनता है हुँ? आप लोग घरबार छोड़कर हरिद्वार आए हैं इसलिए थोड़ी कि कथा के अंतिम दिन जय जय सियाराम हाँ, मोक्ष की भावना से थोड़ी सुनने आए। इसलिए आजकल भगवान विमान नहीं भेजते हैं, उनको पता होता है कि कोई जाना वाना तो चाहता नहीं। कथा लोग कराते हैं ये सोच करके कि चलो भाई कभी जब मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ये थोड़ी कोई सोचता है कि भाई कथा के अंतिम दिन ही विमान आ जाए और हम चले जाएं हाँ। इसलिए कथा की भावना बदल जाती है और भावना बदल जाती है तो फल भी बदल जाता है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। जो जिस भावना से सुनता है उसको वैसा फल मिलता है। कोई अर्थ की भावना से सुनता है भगवान उसको अर्थ देते हैं, कोई मोक्ष की भावना से सुनता है तो भगवान उसको मोक्ष देते हैं। ये कथा तो कामद गाय है, कामधेनु गाय है, सुरधेनु है, देवताओं की जो गऊ है कामधेनु सुर भी। ये कथा तो वो है प्यारे, इसमें जो भाव लेकर आप बैठते हो कथा आपको वैसा फल देती है। ये ऐसा कामधेनु गाय की तरह है। इसलिए इन ग्रंथों के प्रति यदि आदर भाव है ना तो सब कुछ मिलेगा भाई। इसलिए मैं तो कहता हूं कि रामायण और भागवत की केवल आरती मत उतारा करो, घर में ये ग्रंथ है ना तो उनके प्रति आदर करो, आदर भाव रखो, कभी समय निकालकर उनका पाठ करो प्रेम से श्रद्धा से, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जो जो भी तुम्हें चाहिए भागवत जी तुम्हें सब देगी। इसलिए तो संतों ने कहा रामायण सुर तरु की छाया, 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 दुख भय दूर निकट भागवत, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, ये सब सुरधेनु कामधेनु, जो चाहिए सब कुछ देती है रामायण। यहां कथा में जो भी सोच कराते हैं सब पूर्ण होता है। मैं तो इतने सालों से अनुभव ले रहा हूं,
अलग अलग शहरों के श्रोता मुझे बताते रहते कि बापू हमने कथा सुनी, हमें ये मिला, हमने इस भाव से सुना और हमको ये प्राप्त हुआ। ये कथा तो काम धेनु है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण में भेद हुआ तो फल में भेद हो जाता है। इसलिए कथा में इतने सारे श्रोता बैठे हैं ना, कथा सबको एक ही फल नहीं देती है। जो जैसा भाव से सुनता है उसको वैसा फल देती। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।